जय हिंद। नमस्कार मेरे सेहत चैनल लॉर्डो लॉर्डियो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कमांडो के लिए। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान का पहला चैनल है, जो ये पहली एकेडमी जो सिर्फ एसएससी जीडी के पीछे पड़ी रहती है, वो था हमारी एकेडमी। लगभग हमारे 100 बच्चों का पेपर हो गया, उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे मार्केट में जो आपको माइक लेके जो सुनते हो ना, उसमें 80% तक बच्चे कुछ भी बोलते हैं, कोई भरोसा नहीं। यहाँ जो बच्चे बोलते हैं वो पूरे के पूरे सत्य बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर चाहे यहाँ झूठ बोलेंगे रिजल्ट आ जाएगा कल के दिन, फिर फजेती हो जाएगी हमारी। इसलिए हर एक बच्चे को आराम से पूछते हैं आपका पेपर खराब गया सही गया, कोई मतलब नहीं, आप सही से बताओ। तो उनके आधारित जिन 100 बच्चों का मैंने रिव्यू लिया हमारी अकेडमी के, वापस वो आज किसी एमटीएस के बेच में हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो अकेडमी आ सकते हो लाडलो, अगर एसएससी जीडी अगली की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस की करना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, और एसएससी एमटीएस का भी बेच शुरू हो गया है, नहीं तो कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन के साथ आप हमारे साथ ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं लाडलो। अब मैं बताता हूँ उन बच्चों के आधारित की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो बच्चों का रिव्यू आ रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ लड़कों और लड़कियों का। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ बताने वाला हूँ, शायद आप उससे सहमत भी ना करें, लेकिन जो मैंने देखा है लड़कों और लड़कियों, देखो हमारी गर्ल्स अकेडमी भी आपको बताता हूँ, अब तक मैंने लगभग 70+ लड़कों का रिव्यू लिया है, यानी जो अकेडमी के बच्चे, या 20+ लड़कियों का। मैं आपको बताऊँ इन 20 लड़कियों में से लगभग सभी लड़कियों की समय की प्रॉब्लम हुई है, ये वास्तविकता है। अगर आप मानना नहीं चाहो, आप ये बोलोगे सर ऐसा थोड़ा होता लड़कियों को टाइम की प्रॉब्लम हुई लड़कों को नहीं हुई, बिल्कुल लड़कों में से मैं आपको बताऊँ 70 में से एक या दो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये बोला कि सर समय कम रह गया, बाकी किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला है कि सर टाइम कपड़ा, सभी ने ये बोला कि सर टाइम मैनेज हो गया, टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि हम तो दोनों को ही प्रैक्टिस कराते थे टेस्ट, ऐसा नहीं कि लड़कों को नहीं कराते थे या लड़कियों को नहीं कराते, दोनों को बराबर कराते थे। लेकिन फिर भी जो लड़कियों का रिव्यू है, लड़कियों ने सब ने बोला कि सर समय हम 80 वाला क्वेश्चन ये मान चलिए 20 में से केवल 3 या 4 ऐसी बच्चियां हैं जिनमें 20 के 20 80 के 80 क्वेश्चन देखे हैं एक बार, बाकी ने देखे भी नहीं। यानी लड़कियों का मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कट ऑफ काफी कम रहेगा लड़कों के बजाय, चाहे कोई से भी स्टेट का। क्यों? क्योंकि जो 60 मिनट का समय है उसको लड़कियों में घबराहट थोड़ा सा लेवल ज्यादा होता है, हमेशा ही लड़कियों का कट ऑफ वैसे डाउन रहता है लड़कों के बजाय, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि और भी रहेगा, क्योंकि जो 60 मिनट का समय 80 क्वेश्चन दे दिए, इसमें अरेंज नहीं कर पा रहे, वो अपने आप का जो एग्जाम का जो प्रेशर है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। मैंने जहां तक इन बच्चों से बात की थी बोले सर वो घबराहट से हो जाती है, या मतलब वो माउस सही से नहीं चल रहा था सर, या हम समझ नहीं पा रहे थे, ये लड़कियों में ज्यादा होती है। क्योंकि जो लड़कों में ये चीज घबराहट थोड़ा सा कम होते हैं, लड़के अंदर से थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, और थोड़ा सा उनका जो पेपर अटेंड करने का तरीका वो भी अलग होता है लड़कियों से। एक लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आ गई, मैथ्स में बहुत सारी लड़कियां लगभग वीक लड़कियां ज्यादा है जिनकी मैथ्स कमजोर है, लड़कों में ये पॉइंट भी कम है। क्योंकि लड़कियों ने जो भी मैंने रिव्यू लिया है उसके आधार पर बता रहा हूँ कि लड़कियों को मैथ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोड़ रही है, यानी मैथ्स बहुत कम अटेंड कर पा रही है कम समय के कारण, और ओवर एक्साइटेड होने के कारण भी लड़कों में ये कम हो रहा है। लड़के पेपर अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, समय भी बच रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कों की कट ऑफ इस बार रहने वाली है वो लड़कियों में की कट ऑफ से काफी डिफरेंस रहने वाली है, यानी लड़कियों की कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। जो भी बच्चियां हैं जिनका कम स्कोर हुआ घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है सबके साथ। आप अपने नंबर भी लिखिए लड़के और लड़के दोनों कमेंट्स में, ताकि उससे भी मैं कुछ आधार मानकर अगला वीडियो बनाऊं, ठीक है। लड़कों का ऐसा है कि लड़कों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या रह सकता है, तो मैं आपको बताऊं लगभग अभी पहले थी डिग्री के लिए 10 गुना के आसपास पास होंगे, यानी 4 लाख से 5 लाख बच्चे पास होंगे, यानी 4.5 लाख से 5 लाख बच्चे पास किए जाएंगे लाडो, ध्यान रखना फिजिकल के लिए, और जो भी बहुत बड़ा आंकड़ा। एक अब आप मेरी बात और सुन लीजिए, जितने भी बच्चे मेरे पास में अकेडमी में है उन सबने बोला कि सर जब हम पेपर देने गए थे वहां पर तो सीटें खाली थी, मतलब बच्चे आ ही नहीं रहे थे, आपने भी दिया होगा आपने देखा होगा, यानी अटेंडेंस बहुत कम रही है। मैं आपको बताऊँ 50% जो फॉर्म भरे गए उसकी अटेंडेंस नहीं रहेगी, लगभग मान लो 53 लाख फॉर्म भरे गए, तो मैं आपको बता दूं 30 लाख के आसपास बच्चों ने ही पेपर दिया है, ये आपने भी देखा होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप इस बात पे एग्री करो। अब जब पेपर देने गए आपने देखा होगा आसपास की सीटें खाली थी, ये ना बताना कमेंट में ये बोल के यहाँ तक इतनी सीटें खाली थी, यानी इतने ही बच्चों ने, तो यानी पहला जो कॉम्पिटिशन आपका 30 लाख में से 5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए पास होंगे, यानी देख लीजिए बटा 5 करिए, यानी 6 में से 1 बच्चा है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा, 6 में से 1 बच्चा, यानी जो फिजिकल की आपके कट ऑफ रहने वाली वो ज्यादा नहीं जाएगी, ये गारंटी मेरी, ध्यान के पिछली बार की फिजिकल कट ऑफ से भी ज्यादा नहीं जाएगी,
यानी छह में से एक तक का औसत आ जाएगा, मैक्सिमम और ऊपर ले ले तो अभी सात में से एक बच्चा फिजिकल पास करेगा ही करेगा या फिजिकल के लिए जाएगा ही जाएगा। लड़कियों में भी सेम औसत रहने वाला है कि छह में से एक लड़की जाएगी, लेकिन लड़कियों की देखना फिजिकली कट ऑफ काफी कम रहने वाली है। क्यों? कि मैंने बता दिया उसका एक तो पेपर वो सही से अटेंड नहीं कर पा रही है, उनका स्कोरिंग ज्यादा नहीं हो रही है, हाईएस्ट स्कोर जो हो रहे हैं वो लड़कों की हो रही है, इनका कट ऑफ का भी लेवल अलग रहता है क्योंकि लड़कों की आपको पता है पोस्ट भी ज्यादा है लेकिन फॉर्म भी लड़कों की ज्यादा अप्लाई होते हैं एसएससी में लड़कियों के बजाय, क्योंकि लड़कियों के कम होते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको मतलब की तैयारी जाना ही नहीं होता फौज में। दूसरी एक चीज और है, लड़कियों में फिजिकल पास करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, लड़कों में नहीं आती है, लड़कों की फाइनल कट ऑफ वही रहती है क्योंकि फिजिकल पास करने में लड़कों का जो औसत होता है वो मान के चलिए 90% प्लस होता है, 90% बच्चे फिजिकल पास कर लेते हैं। लड़कियों में यही होता लगभग 60-65% के आसपास रहता है, जबकि 35% लड़कियां फिजिकल भी क्वालिफाई नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो पहले कभी तैयारी नहीं की हुई होती है, उनके पेपर की तैयारी अच्छी होने के कारण या कैटेगरी के कारण भी कई बार ऐसा होता है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, बंगाल, इधर क्या होता है लड़कियों को तो जितने मान के चलिए 20% कर दिए तो भी उनका नंबर आ जाता है, तो फिर वो फिजिकल नहीं कर पाते, यानी इसलिए उनका परसेंटेज खराब रहता है। ठीक है, और लड़कों में ऐसा नहीं होता है, लड़के फिजिकल क्वालिफाई करते हैं 90% तक, क्योंकि वही लड़का तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी की जिसको इसमें जाना है, जुनून के साथ तैयारी करता है, इसलिए वो फिजिकली क्वालिफाई हो जाता है। अब कट ऑफ कितनी रह सकती है इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, एक मोटा मोटा सा अगर आंकड़ा बताऊं कि 80 क्वेश्चन में से अगर जैसे वो डिपेंड करेगा आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर जैसे राजस्थान, हरियाणा ये स्टेट है तो लड़कों के लिए यहाँ पर लगभग 55+ नंबर अगर जरूर कैटेगरी से है तो उसके 55+ क्वेश्चन अगर उसने किए हैं तो डिग्री लिए क्वालिफाई होने के काफी सारे, जैसे जो भी बड़े राज्य, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ से लगभग लड़के ने अगर वो जनरल कैटेगरी गया और उसके 55+ क्वेश्चन सही है तो हो सकता है कि वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो। अब बात करें लड़कियों में से सेम अगर वो इन्हीं स्टेट से हैं कोई भी लड़कियां तो उनके अगर मान के चलिए कि लगभग 48 या 50 के आसपास अगर क्वेश्चन सही है तो फिजिकल के लिए क्वालिफाई पक्का होगी। लड़कियों में पक्का है 100 नंबर पे ही फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने के पूरे पूरे चांसेस है, ध्यान रखना, लड़कियों में, लड़कों में कम है। तो लड़कों में अगर 55+ किए हैं तो उसका फिजिकल क्वालिफाई होने के लिए काफी चांस है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 55+ हो सकता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड हो तो आपको कम से कम 10 नंबर या 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन के भी मिल जाए और ये स्कोर तक आप पहुंच जाओ, 110 से आपका स्कोर बढ़कर 120 या 125 बताएंगे तो 100% आपकी डिग्री लिए क्वालिफाई होंगे ही होंगे। अब वो बच्चे कौन से बच्चे हैं जो निश्चित हो सके, जो निश्चित हो सकते हैं वो 80 में से जिस बच्चे ने 70% सही किए हैं या 65+ क्वेश्चन सही किए हैं, अब उनकी 70 तो हुए नहीं है, जिस बच्चे ने हुए हैं 70 करने वाले बच्चे भी है ध्यान रखना, लेकिन जिस बच्चे ने 65+ क्वेश्चन सही किए स्टेट से तो वो आराम से निश्चित होके बढ़िया से मस्त सोइए पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन निश्चित हो सकता है कि एसएससी में इस बार नंबर पक्का मार लेगा। लड़कियों में यही आंकड़ा है 60, अगर इन स्टेट की बात कर रहा हूँ ध्यान रखना तो बड़े बड़े स्टेट है इसमें अगर 60+ किसी लड़की ने सही क्वेश्चन कर दिए तो उसको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो अच्छे से लास्ट फाइनल मेट तक जाएगी। ठीक है, और नंबर भी अपना पा लेगी, ये बात ध्यान रखना क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ के आसार नहीं नजर आ रहे जहां तक मेरा मानना ध्यान रखना, अब ये कोई फाइनल मेट नहीं, ये सिर्फ मेरा मानना ही ध्यान रखना, जो मैंने बच्चों से रिव्यू क्रिएट किया उसके आधार पे, जो औसत निकाली है बच्चों की 100 बच्चों से जैसे रिव्यू क्रिएट किया तो उनके आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि 100 से फिर 1000 हो जाता है, 1000 से ही आगे का होता आंकड़ा, तो उस आधार पे मैं लाड लो ये बता पा रहा हूँ। अब जो बाकी स्टेट है आप बोलोगे सर बंगाल का क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ का क्या रहेगा, बाकी जो स्टेट है लगभग 16 से 17 स्टेट है वहां पर तो आप कट ऑफ ये मान के चलिए जिस बच्चे ने अगर 40 क्वेश्चन भी कर दिए हैं, जैसे बंगाल है उसने 40 कर दिए, गुजरात है जिस बच्चे ने 40 क्वेश्चन भी कर दिए हैं तो वो तो क्वालिफाई होंगे ही होंगे, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या जो इधर का आपका त्रिपुरा, बंगाल, ये साइड असम आ गया, इधर अगर जिन बच्चों ने 40-40 क्वेश्चन भी सही किए हैं उनको भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो और प्लस अगर आपको फिर और एक अंदाजा छठी का अंदाजा लगाना है तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी स्टेट की पिछली कट ऑफ देख लीजिए, वो कहाँ से देखोगे, कमांडो अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, उसमें डाली हुई है, वहां से डॉक्यूमेंट्स में जाना, वहां से आपको पिछली कट ऑफ मिल जाएगी अपनी स्टेट की, उसको देख लीजिए, उससे ऊपर आंकड़ा नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी है, उसमें जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज इस बार ले लीजिए, कितने नंबर बन रहे फाइनल हो जाएगा। ठीक है, लाड दो, जय हिंद, जय भारत।